नरेंद्र भैया बढ़िया यार, तो जवाब बताओ। प्याज बस बढ़िया सर। तो सर आज क्या बाजार देखने को मिला है प्याज में? के अंदर बाजार तो वही सेम ही चल रहे हैं, 3-4 दिन से एक ही सेम, ना उतार है ना चढ़ाव है। अच्छा जी, हाँ जी, लेकिन तो आज माल कम है मंडी के अंदर प्याज। अच्छा जी, अच्छा। कितनी आवक होगी सर आज? आवक के मानो आप बाहर की गाड़ियां तो मानो 7 से 8 गाड़ियां बाहर की है बस? ओनली, और 3-4 गाड़ियां अपने गुजरात की है, मतलब अच्छा जी, सब 10 गाड़ी मानो, 10 गाड़ियां पांच सात हैं। गाड़ी नीचे बैलेंस मानो बाहर की ठीक गाड़ियां, है जी, 15-20 गाड़ी है। लोकल माल ज्यादा है, लोकल भी उच्चा में सारा ज्यादा माल है। बिल्कुल सिक्कर बिल्कुल। भी 1 लाख मानो 5-6 पिकअप। अच्छा जी, अच्छा। सिक्कर वालों को पड़ता नहीं खा रहा, कुछ चावल डायरेक्ट किसान यहाँ पर, सिक्कर वाले यहाँ पर नहीं आते, अभी व्यापारी आ रहा है, व्यापारियों को पड़ता नहीं है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, सिक्कर वाले माल में पड़ता नहीं खा रहा है। हाँ जी, सिक्कर वाले माल बिक रहे हैं 13 रुपए से लेकर 16 रुपए तक। अच्छा जी, और यही कुछ चावल की बात करते हैं तो कुछ चावल बिक रहा है 13 रुपए से लेकर ऊपर में 17 रुपए तक। अच्छा जी, आवक यही कितनी होगी कुछ चावल वाली? कुछ चावल मथानिया सिक्कर टोटल अपनी देश जो अपनी यहाँ की लोकल प्याज है लमसम 60-70 साधन मानो, छोटे बड़े, अच्छा जी, छोटे बड़े छोटे बड़े साधन, साधन तो आवक इसमें ज्यादा है। छोटे ज्यादा साधन है, बड़े कम है। बिल्कुल जो बिल्कुल बाहर के कंटर आते हैं 10 से 12 कंटर है और पिकअप होंगे यही 45-50। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो सर यानी कुछ अमन ने अपनी डिमांड पकड़ बना ली है यहाँ पे। हाँ, अब दिन पे दिन सुधार हो ही रहा है, बिल्कुल, क्वालिटी बेहतर हो रही है, सूखती आ रही है, तो बाजार ठीक है। क्यों, गुजरात वाला प्याज अब कम हो गया है सर? गुजरात वालों को पड़ता नहीं है, बिल्कुल गुजरात सर। के पिछली मंडियों में ही बता रहे हैं 14 रुपए से लेकर 17 रुपए तक वहीं बिक रहा है। अच्छा जी, यहाँ आगे बढ़िया माल 17 वाले 2100 पहुंच पड़ता है, यहाँ पर ऊपर से ऊपर बाजार है 19 से 20 रुपए का अच्छा जी, गुजरात वालों का, तो और बाजार व्यापारियों को पड़ता नहीं। और रही सही अहमदाबाद मंडी थोड़ी तेज है वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात गुजरात में ही बिक रहा है, सही भाव बिक रहा है। बिल्कुल। और सर नासिक वाला क्या बिक रहा है सर? नासिक वाले माल यही मानो 19 रुपए से लेकर ऊपर में 22 रुपए, अच्छा जी, कोई एक्स्ट्रा हो नहीं रहा जाए, 23-24 रुपए दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा होने मंडी में बढ़िया माल नहीं है, तो मासा कोई माल नहीं है, सॉफ्ट हल्के क्वालिटी फलके का माल ज्यादा, नहीं आता है सर? हल्के फलके माल ज्यादा आ रहे हैं इसमें, बढ़िया माल जो अगर मांसाकोरी 50 से 55 साइज का हो, मांसाकोरी ग्रेडिंग बढ़िया हो, तो ये मानो 23-24 रुपये बिक जाएगा। अच्छा जी, पर 21-22 का तो बाजार है सर? वो हल्के माल क्वालिटी आ रही है, वो सेकंड ग्रेड की आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। ग्रेड का माल हो तो 23-24 का बाजार है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का माल मंडी में नहीं है। आज मंडी के अंदर 8-10 गाड़ियां, उसमें भी कोई 10-20 कट्टा वाला बढ़िया होगा, नहीं तो माल ऊपर नीचे है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो आज अगर बात करें ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी ठीक ठाक है, ग्राहकी ठीक है, हाँ माल बिक रहे हैं। तो सर प्याज में क्या लग रहा है कुछ अब गर्मियों का सीजन जैसे? प्याज का तो मैं हमेशा 3-4 वीडियो से आपको कहता आ रहा हूँ, प्याज का बाजार आने वाला भविष्य बढ़िया ही रहेगा। अच्छा जी, क्योंकि तो इसी में आपको पता है मंदाने का कारण एक और भी बात है कि अभी सरकार को भी पता है कि पिछले साल से फसल अभी कमजोर है, और सरकार ने पिछले साल स्टॉक किया उसमें भी तेजी आ गई, तो अब क्या सरकार भी चाहेगी डबल स्टॉक करेगी, बिल्कुल, तो बाजार तो मंदा होगा ही नहीं। बिल्कुल, सेम कोई से पता है इन भावों में किसान बेचेगा और व्यापारी के हाथ में जाएगा, व्यापारी में उसमें सरकार भी है जो खरीदारी करेगी अपनी, तो बाजार में चढ़ने की संभावना कम है, ऊपर ही जाएगा कुछ। बहुत बढ़िया सर। और सर बात करें आज आलू की, तो आलू की क्या पोजीशन रही? आलू की आज मंडी के अंदर 68 गाड़ी थी। अच्छा जी, हाँ जी, और बिक्री में ये लगा लो कल से 50 पैसा 1 रुपये टाइट बाजार था। अच्छा जी, आज बढ़िया माल आज 16 रुपये तक बिके हैं, हल्के माल भी जो कल 12-13 के बिके थे आज 14 रुपये बिके हैं। अच्छा जी, यानी 12-13 से लेकर 16 तक का बाजार है। हाँ, यही मानो हाईब्रिड आलू 11 रुपये से लेकर 14 रुपये तक, और 37-97 मानो आप 13-13.5 रुपये से लेकर 16 रुपये तक। अच्छा जी, तो सर आलू में डिमांड कैसी है आज? भरपूर, और 65-70 जो गाड़ियां बता रहे हैं बिक जाएंगी सर? हमारी मंडी के अंदर 60-65 गाड़ियों तो बिक रही है। अच्छा जी, अगर ये 80 क्रॉस हो जाती है तो थोड़ी बिक्री स्लो हो जाती है, क्या होता है ग्राहक मंदा मांगता है। बिल्कुल, अगर 60-65-70 तक गाड़ी भी आती है, 70 गाड़ियां तक भी आती है जयपुर मंडी के अंदर, तो बाजार सेम रहता है, बाजार टूटता नहीं। अच्छा जी, गाड़ी 80 क्रॉस होती है तो बाजार 50-50 पैसे टूटता है। अगर अभी जो किसान भाई है व्यापारी भाई हमारे जो है, अगर जयपुर मंडी को 60-65-70 गाड़ी लास्ट आती रहेगी तो उनके भाव मिलते रहे, उनको भी बाजार टूटने की कगार पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वाला लाल वाला क्या विकास? लाल और ये मीडियम है भैया, गुल्ला, इसमें गुल्ला मिक्स है। हाँ जी, इसमें गुल्ला मिक्स ना हो तो ये बिक रहा है 14-14.5 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, अगर बढ़िया छट्टा हो तो ये 15-16 रुपए किलो बिक रहा है। 15-16 रुपए। तो क्या लग रहा है आलू में क्या पोजीशन बनेगी सर? आलू का तो भविष्य दिख रहा है जी, पीछे बाजार खेतों में तेज हो रहे हैं, यहाँ बाजार मंदे है। अच्छा, व्यापारी को पड़ते हैं नहीं, और जो माल आ रहे हैं वो बी ग्रेड के आ रहे हैं, हल्के माल आ रहे हैं। बिल्कुल, और एक नंबर के तो स्टोर में जा रहे हैं, कोई व्यापारी बढ़िया बढ़िया माल खेतों में ले लेता है और स्टोर में भेज देता है। बिल्कुल,
तो आने वाला मुझे लगता है होली के आसपास 18-20 रुपए आलू हो सकता है सर। उम्मीद तो ये दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद तो ये दिख रही है, जो खेतों के हिसाब से तो ये कल परसों में होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मंडियों के अंदर वो माल आ रहा है जो खेतों में स्टोर में जाने लायक नहीं है, बिल्कुल, थोड़े कच्चे छिलके हैं, थोड़ा हल्के क्वालिटी है, हाईब्रिड है, वो मंडियों में आ रहा है, वो बिक रहा है, कोई 5% या 10% बढ़िया माल आता है, उनके भाव 16 रुपए आज यहाँ भी मंडियों में भी है, बिल्कुल, मंडियों के अंदर अगर बढ़िया माल हो तो मंडी के अंदर भी 16 रुपए तक माल बिक रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन मंडी के अंदर 2-3 गाड़ियां 4 गाड़ियां बढ़िया आती हैं, वो सुबह सुबह मासा को ले आते हैं, उनका भाव आड़ती कुछ भी लगा दे, बहुत बढ़िया सर, एवरेज माल बिक रहा है 13 रुपए से लेकर 15 रुपए, 13 से 15 का बाजार है आलू का, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? मैं कॉन्टेक्ट नंबर 8781-752, नाम नरेंद्र वेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर, आपका भी।